नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्थिति की जिससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। जी हाँ, कई बार आपको देखने में आया है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है। कोई भी काम हो, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, एक डेट पर मिलने वाला है। हमेशा से हाँ होती रही कि हाँ इस डेट पर मिल जाएगा, लेकिन उस तारीख पर अचानक से आपको यह मैसेज मिलता है कि नहीं, अभी नहीं मिल पाएगा, आगे डेट खिसक जा रही है। या आप कोई एग्जाम दे रहे हैं लेकिन कुछ नंबरों से रह जा रहे हैं, जबकि आपको पूरा विश्वास था कि इस बार सफलता आपको मिलेगी। इसी प्रकार ना जाने कितनी घटनाएं हैं जो होते होते रह जा रही हैं, काम नहीं बन पा रहा है, काम बिगड़ जा रहा है। तो कौन से उसके कारण हो सकते हैं, उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। यही हमारा टॉपिक है। आज हम ऐसे 5 बिंदुओं को बताएंगे आपको, जो यदि आप उनका ख्याल रखते हैं तो आपके जो काम बिगड़ रहे हैं वो नहीं बिगड़ेंगे, काम बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इच्छा शक्ति की। जी हाँ, आपको इच्छा शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप तन मन धन हर तरह से संलग्न हो जाएंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है जो आपको वह काम सफल कराने में मदद करेगी। प्रकृति आपकी सहायता करना शुरू कर देगी। आपको सच्चे मन से, अपने पूरे कर्म से, अच्छी प्रकार से मेहनत करके किसी भी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, तो प्रकृति आपकी सहायता जरूर करेगी। साथ में आपको नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट्स अपने विचार में नहीं लाने चाहिए, अपने मन में नहीं लाने चाहिए कि अरे यह काम पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार के विचार ना लाएं, यह आपके काम को बिगाड़ती है। तो आपको यह मान के चलना है कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो यह 50% संभावना को ऐसे ही बढ़ा देती है। काम की सफलता जरूर होती है। अब दूसरे बिंदु पर हम आते हैं। दूसरा बिंदु है घर का वास्तु। जी हाँ, घर का वास्तु का बैलेंस होना अति आवश्यक है। और आपके घर का या फिर जहाँ भी आप काम करते हैं, यदि खुद का बिजनेस है, वहाँ का वास्तु गड़बड़ाया हुआ है तो समस्या होगी, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। अब इसके लिए क्या देखना है आपको, अपने घर का साउथ ईस्ट से लेकर साउथ डायरेक्शन तक, साउथ ईस्ट से साउथ, इसके बीच का जो जगह है, जो स्थान है, वह देखिए कहीं वहां पर कचरा तो नहीं है, कहीं वहां पर आपने ढेर सारे सामान तो नहीं रख रखे हैं जो अनावश्यक हैं। कहीं साउथ ईस्ट से साउथ के बीच की जो स्थान है वहां पर टॉयलेट तो नहीं है, या फिर वहां पर सबमर्सिबल के लिए बोरिंग तो नहीं कराई है। यदि इस प्रकार की चीजें हैं तो आपका काम नहीं बन रहा होगा, उसमें रुकावटें आएंगी ही आएंगी। तो इस वास्तु का ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट से लेकर साउथ के बीच में जो जगह है वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। वास्तु के हिसाब से ठीक होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कचड़ा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बोरिंग या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखें आप, आपके काम बनने लगेंगे। क्योंकि अगर वहां पे समस्या है तो आपके काम में समस्या आएगी ही आएगी, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर कि कौन सा ऐसा बिंदु है जो ध्यान में रखना चाहिए, वह है मुहूर्त। जी हाँ, कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं तो आप किस समय शुरू करते हैं इसका बहुत ही महत्व है। तो आप कोई भी काम मुहूर्त देख कर करें, और आजकल तो बड़ी आसानी हो गई है, सभी पंचांगों में तो पहले से ही मुहूर्त लिखे होते थे। आप वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर भी चेक कर सकते हैं कि आज का मुहूर्त या किसी विशेष दिन का मुहूर्त क्या है। न्यूज़पेपर में भी प्रतिदिन के मुहूर्त आते हैं। तो कौन सा कार्य किस समय करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, वहाँ पर विवरण होता है। आप देख कर अपने कार्य उस समय शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार राहु काल में बहुत से कार्य नहीं किए जाते हैं, कुछ एक दो कार्य को छोड़कर। तो राहु काल का भी आपको ध्यान में रखना है। तो मुहूर्त आपको मिल जाएगा, अच्छे मुहूर्त में ही किसी भी विशेष कार्य को आप करें तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपका काम रुकेगा नहीं। क्योंकि तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप कभी भी कोई कार्य शुरू कर लेते हैं लेकिन उसमें फिर अड़चनें होती रहती हैं, वह कार्य ही नहीं पूरा हो पाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप मेहनत 10% कर रहे हैं लेकिन सफलता आपको 120% की मिल रही है। तो ये मुहूर्त का बहुत ही महत्व होता है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं। चौथा बिंदु है अंतरदशा। जी हाँ,
दशाएं पांच प्रकार की होती हैं, हम यहाँ पर विंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं, तो दशाएं पांच प्रकार की होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। महादशा कई सालों की होती हैं और इसके अंदर फिर छोटी छोटी अंतरदशाएं होती हैं, अंतरदशाओं के अंदर फिर प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब सब कुछ होता है। तो आपको अंतरदशा लेके चलना है, क्योंकि अंतरदशा कुछ ग्रहों की कुछ महीने की होती है, कुछ ग्रहों की कुछ सालों की होती है, तो यह ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं होता। और अंतरदशा और गोचर यह मिलकर ही किसी घटना को घटित होने में सहायता करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप अपनी जन्मपत्रिका में देखिए कि किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। यदि वह शुभ भावों का स्वामी है, शुभ स्थिति में है, अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका काम बनेगा ही बनेगा उस ड्यूरेशन में जो भी आप काम करेंगे। और यदि अंतरदशा वाले ग्रह की स्थिति सही नहीं है, अंतरदशा वाले ग्रह की स्थिति सही नहीं है, अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, अच्छी जगह पर विराजमान नहीं है, क्रूर ग्रहों या पाप ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, या फिर अंश बल में कमजोर है, तो समस्या आएगी ही आएगी, काम में रुकावटें आएगी ही आएंगी। तो करना क्या है, जो भी अंतरदशा स्वामी है अर्थात जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, उसको उसके मंत्रों का जाप करें। आप हर ग्रह का मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, आप उनका जाप करें, उससे संबंधित देवता की पूजा आराधना करें। और जनपत्रिका के अनुसार यह स्थितियां भी हो सकती हैं कि उस ग्रह का दान करना पड़े, तो आप दान कर सकते हैं यदि स्थितियां इस प्रकार से हैं। तो साथ ही साथ अगर अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप उसके रत्न को भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार आप अंतरदशा वाले ग्रह या अंतरदशा स्वामी की स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, बलवान कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं, तो वह अच्छे फल ही देगा और आपके काम की जो रुकावटें आ रही हैं काम में वह नहीं होंगी। अब हम पांचवें बिंदु पर आते हैं। पांचवा बिंदु है मन। जी हाँ, बिना मन के कुछ भी नहीं होता है। और मन का संबंध चंद्रमा से है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मन को देखना है, अर्थात यहां पर आप चंद्रमा को देखिए। आपकी जन्मपत्रिका में चंद्रमा कहीं पीड़ित तो नहीं है? यदि चंद्रमा नीच राशि के हैं, चंद्रमा छठवें, आठवें या बारहवें भाव में हैं, या चंद्रमा शनि के साथ हैं, या इसी प्रकार कोई भी अशुभ स्थिति बन रही है चंद्रमा के साथ आपकी जन्मपत्रिका में, तो भी आपका काम नहीं बनेगा, तब भी काम में रुकावटें आएंगी, क्योंकि चंद्रमा है निरंतरता, कंटिन्यूटी। अब वह कंटिन्यूटी, वह प्रवाह, चाहे धन का प्रवाह हो, या विचारों का प्रवाह हो, या जीवन में खुशियों का प्रवाह हो, वह चंद्रमा से संबंध रखता है। तो आपकी जन्मपत्रिका में चंद्रमा अच्छे होने चाहिए। यदि चंद्रमा अच्छे नहीं है तो एक अनावश्यक डर सा लगा रहता है, अनावश्यक भय सा होता है आपको, मन कहीं नहीं लगता, मन खिन्न रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कई बार मन से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सारे चीज़ें मन से संबंधित हैं, तो आपको चंद्रमा को ठीक रखना है। चंद्रमा सही नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया आपका मन अच्छा नहीं होगा, मन खिन्न होगा, अच्छे विचार नहीं आएंगे, निगेटिविटी भरी होगी, कैश फ्लो रुका होगा, काम में रुकावटें आएंगी, तो आपके चंद्रमा को अच्छा होना चाहिए। अब चंद्रमा को अच्छा करने के उपाय की चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा, इनका शिवजी से संबंध है। कैसे? शिवजी की कोई भी फोटो आप देखें तो वहां पर शिवजी के शिखर पर यानी सिर पर चंद्रमा बना होता है, इसीलिए शिवजी को शशि शेखर कहते हैं। तो शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, तो चंद्रमा आपके बलि हो जाएंगे। प्रतिदिन 108 बार इसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो भी चंद्रमा बलवान हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। आप दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये भी चंद्रमा को शुभता और बल दोनों प्रदान करता है। ध्यान रहे, किसी भी ग्रह का रत्न धारण करने से वह बलि तो हो जाता है, बलवान हो जाता है, लेकिन उसकी शुभता अशुभता में फर्क नहीं होता। अगर वह शुभ स्थिति में है, शुभ है, तो उसमें पावर बढ़ जाती है। यदि वह अशुभ स्थिति में है तब भी उसकी पावर बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वह ग्रह को शुभता भी प्रदान करता है और उसकी पावर को भी बढ़ाता है। और रत्न हमेशा जन्मपत्रिका देखकर ही पहनना चाहिए कि कौन सा रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो यदि चंद्रमा अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छी जगह पर बैठा है, तो आप उसका रत्न मोती धारण कर सकते हैं, अन्यथा आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं। एक उपाय और कर सकते हैं चंद्रमा को शुभ और बलवान करने के लिए, अपने कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए, काम में रुकावटों को दूर करने के लिए चंद्रमा का एक उपाय।
करना क्या है आपको, हर सोमवार, और यह काम आपको 8 सोमवार करना है। चावल और दूध यह मिलाकर 8 सोमवार प्रातःकाल बहते हुए जल में प्रवाहित करें और अपने मन की इच्छा को अंदर ही अंदर बोले कि मेरा काम बन जाए, मेरे जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। इस तरह आप बोलेंगे और 8 सोमवार यह करेंगे तो भी चंद्रमा बलवान हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे, उनसे जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वह दूर हो जाएंगी। तो आज हमने 5 बिंदुओं की बातें की कि यदि आपका काम रुक रहा है तो क्या समस्या हो सकती है। एक कारण और भी है, 6वां बिंदु आप कह लीजिए कि आपकी जन्मपत्रिका में यदि राहु केतु का समय चल रहा है, इनकी दशा या अंतर दशा चल रही है, तो भी काम में रुकावटें आती ही आती है। तो आप राहु और केतु ग्रह की इनसे संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं अगर इनका समय चल रहा है, क्योंकि काम में रुकावट के लिए यह भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज हमने इस प्रकार से 5 मुख्य बिंदु और फिर 1 6ठे बिंदु की भी चर्चा की। तो यदि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताएं यह करें, अवश्य ही आपकी तकलीफें दूर होंगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।